अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने इसके तीन लेयर बना देने हैं, उसके बाद एक लेयर को हम स्पेयर में रख देंगे ताकि हमारे से अगर कोई मिस्टेक हो तो हम इसको वापस से यहाँ पर एडिटिंग कर सकें। अब इन दो लेयर पर हमने एडिटिंग करनी है। एक लेयर को हम ऑफ़ कर देंगे और दूसरे लेयर को हम सेलेक्ट करके यहाँ से इफेक्ट्स में जाकर बेवल 180 एंगल रखेंगे, ब्लर 8 और 4 डिस्टेंस, दूसरा बेवल 45 एंगल, ब्लर और डिस्टेंस वही, और यहाँ से हम कर्व पर जाएंगे। कर्व का सेटिंग आप नोट कर लें। इसके बाद डुप्लिकेट लेयर बना देंगे इसके और एफएक्स में जाकर पुटू में, और उसके बाद सनी आफ्टरनून पर जाएंगे। अब ये सनी आफ्टरनून वाला लेयर को हम नीचे लाएंगे और इस दूसरे लेयर को हम सबसे ऊपर लेके जाएंगे। फिर बीच वाले लेयर को ऑन कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी में हम शाडो डाल देंगे इस तरह। अब ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर है सादा, जिस पर हमने बेवल और कर्व लगाया हुआ है लेकिन इसके अंदर कलर ऐड नहीं है, इसके लिए हम सेलेक्ट पिक्सल कर देंगे और उसके बाद एंड वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ से ग्रेडिएंट पर जाएंगे। ग्रेडिएंट में हम कोई सा भी तीन कलर या चार कलर, अब अपने मर्जी के हिसाब से कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये तीन कलर लिए हुए हैं। उसके बाद हम इन तीनों लेयर को मर्ज डाउन कर देंगे। इतना हो जाने के बाद हम एक पीएनजी ऐड करेंगे। ये पीएनजी ऐड होने के बाद इसको हम एडजस्ट करके लगा देंगे। डुप्लिकेट लेयर, एक और डुप्लिकेट, इतना होने के बाद हमारा ग्लास फोंड रेडी हो चुका है। इसमें हम चाहें तो कुछ लाइट्स ऐड कर सकते हैं। वो लाइट्स पीएनजी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फोंट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए कुछ लाइट्स मैंने ऐड कर दिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।